अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जावेद से तो, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर पार्किंग प्लाजा के सामने। यहाँ पे फ़िश मार्केट है, तो आएँ चलते हैं फ़िश देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एड्रेस समझा दूँ इसका। ये न्यू एमजना रोड है, ये आगे इम्प्रेस मार्केट की तरफ रोड जा रहा है, और ये पार्किंग प्लाजा है, सदर पार्किंग प्लाजा। बिल्कुल उसके सामने ही ये फ़िश मार्केट है, ये देख सकते हैं। तो आए, कौन कौन सी मछली होती है तुम्हारे पास? सुरमाई, सुरमाई कौन सी है, कौन कौन सी बता दो ना, कौन सी, ये वाली कौन सी है, वो ये कौन सी है, हाँ दिखाओ कौन सी है। ये पापलेट है, ये कैसे है, इसकी प्राइस क्या है? 750 किलो है इस पापलेट है ये। और इसके अलावा दूसरी दिखाओ, सारी दिखा दे जाओ, कौन कौन सी है तुम्हारे पास? थैली है ये कौन सी है? थैली। हाँ, इसके क्या रेट है? 350। ये 350 रुपये किलो है। और उसके अलावा ये कौन सी है? राहू। राहू, राहू ये किस तरह है? ये 550। ये कांटे वाली होती है और बगैर कांटे वाली भी होती है? ये बगैर कांटे वाली है। ये कैसे है? 350। ये कौन सी मछली है भजन? सुरमाई है। सुरमाई ये किस तरह है? 600 रुपए किलो। और उसके अलावा ये कौन सी है? हीरा नेट स्लेपर। कौन सा? हीरा नेट स्लेपर। नेट स्लेपर इसके क्या है? 450। और ये मार्केट कौन सी जगह कहलाती है? ये साफुली मार्केट कहलाती है। कौन सी? सदर साफुली मार्केट। साफुली मार्केट ये इनकी पार्किंग प्लाजा के सामने है ना। और ये वाला जो दूसरा वाला, ये धोटर है। कौन सा? धोटर। ये किस तरह होता है? 800 रुपए किलो। और ये छोटी जो मछली है ये कौन सी कहलाती है? ये मीठे पानी की राहू है। ये मीठी पानी की राहू है। मीठे पानी की राहू किस तरह है ये रेट? ये 300 रुपए किलो। ये 300 रुपए किलो है। और ये वाली जो है, ये भी मीठे पानी का है। अच्छा, ये भी मीठे पानी का। ये कौन सा वाला, थोड़ा दिखाना उठा के एक दो। थैला। अच्छा, ये थैला कितने का है? ये 300 साढ़े 300 रुपए। 300 साढ़े 300 तक मिल जाता है। और ये वाला 300 हो जाता है? 300। और ये जो वाला जो कौन सा, और वो जो है, ये दूसरे भी इसमें देख सकते हैं, इसके पास यही है। ये मुख्तलिफ, ये वाली कौन सी मछली है यार? ये वाली ये कौन सी कहलाती है मछली? शार्प। ये इसके क्या रेट है, कितने की किलो है? 450। ये 450 रुपये किलो है, शार्प कहलाती है। और ये वाली खेरी। इसके क्या रेट है खेरी के? 350 रुपये है। और ये वाली, ये इसमें बगैर कांटे वाली कौन सी कहलाती है? ये बगैर कांटे वाली, ये बगैर कांटे वाली होती है। क्या है? एक कंजू खाली फिंगर बना। अच्छा, फिंगर कलानी। और ये वाला जो है सिल्वर, इसके क्या है? 450। ये 450 रुपये किलो है। और ये वाली गुलफाम है। कौन सा? गुलफाम। इसके क्या है? 350। और ये छोटी वाली कौन सी है? ये दबिया। इसको ये कितने की है? ये कितने की है? हाँ, और ये कितने की है? 350। ये 350 वाली है। ये कितने वाली है? ये वही वाली गुलफाम। गुलफाम, अच्छा, ये वही गुलफाम। और वो जो छोटी वाली इधर पड़ी हुई है, और भांगड़ा है, वो कितने का है? 250। ये 250 का है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे भी देखते हैं, इनसे रेट मालूम करते हैं कि दूसरे कौन से हैं। ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ भी देख सकते हैं यार। ये वाली कौन सी है मछली? गिरास। गिरा, ये क्या? गिरास। ये किस तरह है इसका? 450 रुपये किलो है। और ये वाली, ये कौन सी है? सिल्वर। हाँ, इसकी कितनी है? 550। ये सारे कांटे वाली होती है, और बगैर कांटे वाली कौन सी होती है इसमें? नहीं, कांटे वाली चाहिए। नहीं, बगैर कांटे वाली दिखा दो थोड़ा। एक दो। ये बगैर कांटे वाली होती है, और ये भी बगैर कांटे वाली होती है। ये कांटे वाली है। इसके क्या, बगैर कांटे वाली क्या है? 550। ये 550। और ये वाली? 650। ये 650। ये कौन सी कहलाती है? सुरमाई कहती है। सुरमाई कहलाती है। गुलफाम, ये गुलफाम कितने की है? 350। ये 350 की है। और ये वाली 700। ये 700 वाली है। और ये छोटी जो बड़ी होती है, ये 250 वाली है। और ये बिल्कुल पार्किंग प्लाजा है, उसके सामने ही ये मछली मार्केट है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये काफ़ी बैठे होते हैं यहाँ पे। वीडियो कौन से नाम से? ये दूसरे भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी मौजूद है यहाँ पे। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, अभी ताज़ी मछलियाँ लेके आए हैं यहाँ से, और ये अभी निकाल रहे हैं। यार, ये वाली कौन सी मछली कहलाती है? ये 450 वाली है। ये मुख्तलिफ देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद है। ये देखते हैं, ये बच्चा इसकी सफाई भी कर रहा है, ये साफ कर रहा है। ये यहाँ से लेके आते हैं और फिर
साइड इसको बना रहे हैं सही तरह। हाँ तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह।